खोटे के ऊपर एक कहानी महेश भट्ट ने जो है मनीषा रानी को हाथ पकड़ के बोली है, जहां पर पूजा भट्ट ने भी ये बात बोली है कि मैं इसको बोलती हूँ, सुबह उठती है छोटी सी इस तरीके से, वो है मनीषा रानी। तो ये भी मनीषा रानी तो है ही, इसीलिए मनीषा रानी को हमेशा ही चुलबुला अंदाज नहीं रहता है, एक इंसान के काफी सारे एक्सप्रेशंस रहते हैं, हंसना, रोना, चुप होना और गुस्सा होना, इस तरीके के होते हैं, कभी गुस्सा होना, कभी वो हो जाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा एक ही मूड में तो नहीं रहता इंसान। तो मनीषा के भी ऐसे ही हैं। महेश भट्ट ने कहानी सुनाई कि एक बहुत बड़े एक्टर थे, नाम तो वो नहीं बताए, उनका कहना ये है कि उन्होंने एक मखोटा ओढ़ा था कि बाहर जाते वक्त, ये वो तो माइग्रेन, ये वो बहुत बर्डन होता था, तो उनको बोला गया कि उतार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं उतार सकते, कि आप जब हंसते हैं, जब 24 घंटे आप स्माइल रखते हैं, तब ये एक मखोटा है, उसको घर जाके उतार देना चाहिए। तो ये क्या कहना चाहते थे, मतलब कि अभी जो चीज़ें मनीषा रानी जो कर रही है, क्या वो एक मखोटा है? मुझे नहीं लगता है कि मनीषा रानी का मखोटा, हालांकि वो बहुत ही बड़े हैं और उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें की है, देखी हैं, उन्होंने कहानी सुनाई है, पर मनीषा रानी को ही क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।